आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप 2024 का स्केड्यूल जारी कर दिया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन बांग्लादेश में होगा। भारतीय महिला टीम को ग्रुप ए में रखा गया है। इसमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम भी है। टूर्नामेंट का आगाज 3 अक्टूबर से होगा। पहला मैच इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। वहीं भारत का पहला मैच न्यूजीलैंड से है। यह मुकाबला 4 अक्टूबर को आयोजित होगा। भारत और पाकिस्तान के मैच का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच 6 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया इसके बाद क्वालिफायर 1 की टीम से भिड़ेगी और इसके बाद भारत का ग्रुप का आखिरी मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। अगर पहले सेमीफाइनल की बात करें तो यह 17 अक्टूबर को और दूसरा सेमीफाइनल 18 अक्टूबर को खेला जाएगा। फाइनल मैच 20 अक्टूबर को आयोजित होना है। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कुल 23 मैच खेले जाएंगे। ये मुकाबले 19 दिनों में ढाका और सिलहट में आयोजित होंगे। टूर्नामेंट के लिए 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में 5 टीमें हैं, ग्रुप बी में भी 5 टीमें हैं। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और क्वालिफायर 1 की एक टीम होगी। वहीं ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और क्वालिफायर 2 की एक टीम को रखा जाएगा। टूर्नामेंट में हर टीम कुल 4 ग्रुप मैच खेलेगी। इसके बाद हर ग्रुप की 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो टॉप 2 टीमें होंगी। सेमीफाइनल मुकाबले 17 और 18 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बता दें कि वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत पाया है। इसमें सबसे ज्यादा खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार खिताब जीता है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने एक बार खिताब जीता है। टी20 वर्ल्ड कप 2016 का आयोजन भारत में ही हुआ था। इसका फाइनल मैच ईडन गार्डन्स में खेला गया था और इसके बाद टीम इंडिया एक बार फिर फाइनल में 2020 में पहुंची थी और वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने फिर से टीम इंडिया की उम्मीदें तोड़ दी थी। अब इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। स्पोर्ट्स टुडे तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।